आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार टिकट दिया, जिसके बाद मनोज तिवारी के समर्थक काफी जोश में हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े से मनोज तिवारी का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने मनोज तिवारी को भगवान श्री राम की प्रतिमा भेंट की और जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान मनोज तिवारी काफी भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू झलक आए। तो हम सब एक फिर से नमो हैट्रिक की शुरुआत पे नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री। बीजेपी ने दिल्ली की 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 4 सीटों पर नए लोगों को पार्टी ने मौका दिया है, जबकि मनोज तिवारी पर पार्टी ने तीसरी बार भरोसा जताया है। तो बिल्कुल, एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी को टिकट दिया गया, जिसके बाद उनके समर्थक इस वक्त बिल्कुल जोश में नजर आ रहे हैं और उनका जोरदार स्वागत भी किया गया।